आज की वीडियो आपके लिए कुछ खास होने वाले। आज हम बताने वाले हैं एक स्विच से एक इंडिकेटर और सॉकेट कैसे वर्क करते हैं। देखिए, ये एक पार्ट का इंडिकेटर स्विच और सॉकेट है, 5 पिन सॉकेट है। देखिए, ये एक पार्ट हो गया, यानी कि जब स्विच दबाएंगे तभी इंडिकेटर ग्लो करेंगे और सॉकेट वर्क करेंगे। देखिए, जैसे कि इसको ऑन किए तो इंडिकेटर वर्क करने लगा, इसमें भी देखिए इंडिकेटर है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे देखिए, एक स्विच, एक इंडिकेटर और एक सॉकेट लगा हुआ है, इधर एक और इधर एक, यानी कि बीच में सॉकेट, दोनों को डिवाइड किए हैं। ये मेरा जो वायर है इसको इंडिकेटर के ऊपरी भाग में कॉमन किए हैं। चलिए इसको सॉकेट के साथ इसमें जोड़ देंगे। पहले इसको काटेंगे, काट के छील लेंगे और एक वायर लेंगे, दोनों वायर को ऐसे इस प्रकार से जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद इसको उस वाले पॉइंट में जहाँ हमने दिखाए, देखिए इस वाले पॉइंट में पहले हम इसको जोड़ लेंगे। पहले इस बढ़िया से इसको कस लेंगे नट को। अब ये वाला जो वायर है इसको इस वाले जो सॉकेट है, ये 16 एम्पियर का सॉकेट है। इस 16 एम्पियर के सॉकेट के न्यूट्रल के साथ इसको जोड़ देंगे। हर सॉकेट में लिखा रहता है, एक तरफ एन एक तरफ एल, यानी कि एक तरफ न्यूट्रल एक तरफ लाइन लिखा हुआ रहता है। और जब भी सॉकेट का कनेक्शन करें तो जिस तरफ जो लिखा हुआ रहा है उसी तरफ उसी का कनेक्शन दें। जैसे इसमें न्यूट्रल था तो इसमें हमने न्यूट्रल दिए हैं। अब और एक वायर लेंगे, इसको पहले छीलेंगे दोनों वायर, और एक वायर लेंगे, दो वायर को लेके पहले आपस में जोड़ लेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद इधर जो लाइन लिखा हुआ है उस लाइन वाले सॉकेट में इसको दे देंगे, और देने के बाद ये जो वायर है ब्लू वाला वायर, इसको स्विच के ऊपरी भाग में देंगे, इसको ऊपरी में देंगे। पहले इसको जोड़ ये कर लेते हैं, मचोड़ लेते हैं, उसके बाद ऊपरी भाग में इसको कस देंगे, कस दिए हैं। और ये वाला जो वायर है ये इंडिकेटर के निचले वाले भाग में देंगे, यानी कि फेज जो हमको मिलेगा स्विच के थ्रू मिलेगा। देखिए, ये जो है इसको इस इंडिकेटर के नीचे भाग में इसको कस देंगे, इसको बढ़िया तरह से कस देंगे। अब ये एक तरफ का काम मेरा हो गया। अब दूसरी तरफ की बात, चलिए दूसरी तरफ देखिए, उसको भी उसी प्रकार से न्यूट्रल फेज वाले में जोड़ेंगे, दो वायर लेके एक को स्विच के ऊपर में देंगे और एक को इंडिकेटर में दे देंगे, एक को स्विच के ऊपर में देंगे और एक को स्विच का नीचे दे देंगे, सॉरी इंडिकेटर का निचले भाग में दे देंगे, तो ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, ये मेरा कंप्लीट हो गया है। देखिए, ये जो है ये फेज सप्लाई है, यानी कि आउटपुट है। ये मेरा न्यूट्रल वायर है, देखिए इसको हमने कॉमन किए हैं, ये यहाँ से लेके ये इसमें और यहाँ से लेके यहाँ पे, देखिए इसको न्यूट्रल कॉमन किए हैं। और ये वाला वायर जो है ये मेरा सेफ्टी वायर है, इसको इसके साथ जोड़ देंगे। ये जो वायर है ये वाला, ये इंडिकेटर का वायर है। देखिए, इंडिकेटर फेज के साथ है, इंडिकेटर फेज के साथ में है, दोनों इंडिकेटर, यानी कि ये तीन एक पार्ट में है और ये तीन एक पार्ट में किए हैं। ये इंडिकेटर जब भी ये स्विच दबाएंगे तो ये इंडिकेटर ग्लो करेगा। इसकी वायरिंग को आप बढ़िया से देख लीजिए, आपको बढ़िया से देखिएगा तो इसको समझ में आ जाएगा कि कहाँ क्या। चलिए, इसको पहले बोर्ड को फिटिंग कर लेते हैं। ये जो सारे वायर है, ये वाले वायर, ये येलो वाला वायर, ये मेरा फेज का वायर है, और ये जो ब्लू वाला वायर दिखाई पड़ रहा है, ब्लू वाला वायर मेरा न्यूट्रल है, और ये काला वाला वायर सेफ्टी का वायर है। ये न्यूट्रल रहा, ये सारे न्यूट्रल है, ये लाइट का भी पॉइंट है इसमें, और एक पावर प्लग का है। देखिए, इसको हमने फिटिंग कर दिया है, देखिए ये ग्लो करने लगा। चलिए, अगर वीडियो को अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली नई नई वीडियो आप तक जल्दी से पहुंचे।